हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। ये मेरा गला भी, एक मिनट। हाँ, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी हाँ, यहाँ है गांव में शादी, तो मैं और हिमा गए थे शायद रोटी बनाने के लिए पराद लेके। तो अभी हम लोग रोटी बना के आ चुके हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे महिला संगीत में। फिलहाल अभी हम लोग ये भांडे बर्तन अपने घर रखने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर वापसी आएंगे इधर को। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो काफ़ी सारी रोटी वहाँ पे बनानी पड़ती है, मतलब सब लोग आते हैं, मतलब गांव की सारी औरतें आती हैं, पर घर से एक एक बंदा आता है, तो इसलिए तो चलिए चलते हैं सीधे घर को। मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ, हमारा घर नीचे ही रह गया, और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ चाची लोगों के उधर, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Thank you.
चुकी हूँ घर और अभी मतलब खाना पीना खाया, मतलब दिन का खाना भी हमारा वहीं था, सुबह का नाश्ता भी वहीं था। तो अब जाना है शाम के टाइम पे रोटी बनाने के लिए, तो मैं करती हूँ चेंज। मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ, फिर टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं। फिर चलते हैं सीधे रोटी बनाने, पहले चेंज कर लेते हैं फिर रोटी बना के फिर आते हैं। मीन्स फिर रात का मतलब बारात चली गई तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर हम लोग घर आ गए थे। अभी मैं रोटी बनाने आ चुकी हूँ। अच्छा, तो काफ़ी सारी औरतें आ चुकी हैं, हमारा चूल्हा भी तैयार है, धुआं भी लग रहा है। आ चुके हैं रोटी बना के, और वहाँ पे रोटी वोटी हमारा बन चुका था, मतलब अंधेरा भी हो गया है, और अब आएगी थोड़ी देर में बारात, फिर बारात में फिर जाना पड़ेगा ऊपर। मतलब हमारा घर रह गया नीचे, वहाँ रह गया ऊपर, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और देखते हैं बारात आती है फिर ब्लॉग अगर नहीं बना पाऊँगी मैं, मुझे लगता नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, जाऊँगी तो शायद बना लूँ नहीं तो नहीं बनाऊँगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।